नमस्कार, देख रहे हैं आप सड़ी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। फ्लोर टेस्ट के दौरान कुछ विधायकों का हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आया था। अब इस मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई जांच करेगी। बता दें आपको कि जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया है और बताया है कि किस तरीके से उन्हें प्रलोभन देने की कोशिश की गई थी आरजेडी की ओर से। बता दें आपको कि सुधांशु शेखर ने लिखित शिकायत की है कि 10 करोड़ की डील थी। इससे पहले भी विधानसभा बजट सत्र के दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया था और बयान देते हुए कहा था कि आरजेडी की ओर से कहा गया था कि 5 करोड़ पहले देंगे और 5 करोड़ बाद में देंगे, या बड़ा बयान देते हुए भी नजर आए थे जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर। बताते चले आपको कि फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी सरगर्मी काफी तेज थी। आरजेडी की ओर से तरह तरह प्रलोभन देने की कोशिश की गई थी जेडीयू और बीजेपी के विधायकों को। और अब इससे पूरे मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच करेगी। आपको बताते चले कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जो हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की है, इस पर पूरी जांच होगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान बड़ा बयान दिया था और यह सारी बातें कही थी। और अब इस मामले को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई कि इस पूरे मामले को आर्थिक अपराध इकाई की टीम देखेगी। आपको बताते चले कि पटना SSP ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा है और अब इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। अब इस मामले में आर्थिक अपराधी कार्यों के द्वारा DSP लेवल की स्पेशल टीम बनाई गई है और यह टीम जो भी इस मामले में संलिप्त है उन लोगों पर छानबीन करके आगे की कार्यवाही करेगी। बता दें आपको कि कुछ ऐसे विधायक थे जिसे आरजेडी की ओर से प्रलोभन देने की कोशिश की गई थी और ये ऐसे विधायक हैं जो खेला करने के फिराक में थे। जेडीयू से 3 विधायक थे और बीजेपी से 2 विधायकों का नाम सामने आया था। हालांकि उन लोगों ने अपनी सफाई पेश की थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सुधांशु शेखर ने कहा कि उन्हें भी आरजेडी की ओर से प्रलोभन देने की कोशिश की गई थी। 10 करोड़ की डील थी, 5 करोड़ पहले और 5 करोड़ बाद में। तो अब देखने वाली बात होगी कि जांच के दौरान क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि अब इस पूरे मामले की जांच तो होगी और नीतीश कुमार ने भी कह दिया था कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, इससे पूरे मामले की जांच होगी और मेरे विधायकों को जिसने तोड़ने की कोशिश की उसे सजा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बयान दिया था और अब इस मामले को आर्थिक अपराध इकाई की टीम देख रही है। तो क्या कुछ होगा यह देखना काफी दिलचस्प होगा, किस पर गाज गिरेगा यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।